हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अकबर शेख। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसरोसो ग्रुप की रेमेडी कैंसरोसो 10 की। यह कैंसरोसो ग्रुप की मिक्स टेम्परामेंट की औषधि है। जब रस और रक्त दोनों दूषित हो तो इस औषधि का उपयोग करते हैं। इस औषधि को बनाने के लिए 7 औषधीय पौधों का इस्तेमाल अलग अलग मात्रा में किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पिंपिनेला, सेक्सेफ्रेगा, चेलिडोनियम माजूस, कोनियम मैकुलेटम, रस टॉक्सिकोड्रेंड्रॉन और पोडोफाइलियम पेल्टाटम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया है। इस औषधि में स्क्रोपोलोसो और एंजियोटिको दोनों औषधियों के गुणधर्म है। यह औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों में पेट से संबंधित बीमारियों में अपना विशेष स्थान रखती है। इस औषधि का स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत ही बड़ा है। इसे बनाने के लिए 7 औषधीय पौधों का इस्तेमाल हुआ है। आइए उन 7 औषधीय पौधों के गुणधर्मों को एक एक करके समझते हैं और समझते हैं इस रेमेडी के इस्तेमाल और डोसेस को। इसके पौधे हैं कार्डुस बेनेडिक्टस। यह औषधि मुख्य रूप से लीवर की औषधि है। जॉन्डिस अल्कोहलिक मरीजों में जो लीवर के डैमेज होने की जो अवस्था होती है उसमें देने से बहुत लाभ होता है। पेट में दर्द, लीवर फंक्शन बिगड़ने के बाद होने वाले दूसरे लक्षण, सर्दी होना, शुगर का बढ़ना, चयापचय क्रिया का बिगड़ना, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर के फंक्शन बिगड़ना, एसिडिटी होना, खूनी बवासीर, एनस और रेक्टम में जलन होना, रेक्टम प्रोलैप्स होना, हार्ड स्टूल को करके बाहर निकलना, रेक्टल कैंसर में होने वाले डायरिया यह कंट्रोल करती है। इन सारे लक्षणों को यह औषधि ठीक करती है। साथ ही यह पोर्टल सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम में कैपिलरीज, विसेल्स जो ब्लड और रक्त को कैरी करती हैं उनके फंक्शन को ठीक करती है। आर्टरीज और वेंस जो शरीर अवयवों और टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट टिश्यू को बाहर फेंकती है उस कार्य प्रणाली की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरे नंबर पर है चेलिडोनियम माजूस। यह मुख्य रूप से लीवर और साथ रिफ्लक्स सिस्टम के होने वाली बीमारियों को ठीक करने वाली औषधि है, जैसे पेट दर्द, गॉल ब्लैडर कॉलिक, इंटेस्टाइनल कॉलिक, यूटेराइन कॉलिक, कोलिसिस्टाइटिस और बाइलरी कैलकुलस हो, बिटर टेस्ट हो, नो एपेटेट, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, खाना खाने के बाद हजम ना होकर फर्मेंटेशन हो जाए और मुँह से बदबू आने लगे, टेस्ट बिटर हो जाए, सेरस एफ्यूशन जैसे ग्रंथि रोग, हाइड्रोसिल और जब कॉम्प्लिकेशन बिलीवस अवस्था में पहुँचे यानी रोग अवस्था थोड़ी गंभीर हो उस अवस्था में बहुत ही लाभदायक है, और राइट स्कैपुला के इन्फेरियर एंगल में कंटिन्यूस दर्द होना, कोई अवयव कमज़ोर होना, इन अवस्था में देने से बहुत लाभ पहुँचाती है। तीसरे नंबर पर है कोनियम मैकुलेटम। इस औषधि का काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसरोसो 10 के हिसाब से सोचे तो इसमें इसका इस्तेमाल नौशिया, हार्टबर्न होकर गले तक, जीभ के रूट तक जलन होना, स्टमक पेन होना, खाना खाने के बाद कुछ समय बाद ज़्यादा एसिडिटी होना, क्रॉनिक जॉन्डिस और अपर एब्डोमेन और लीवर एरिया में या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होना, हीट एंड बर्निंग इन रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल, IBS पेशेंट में बार बार थोड़ा थोड़ा स्टूल पास होने की जो अवस्था होती है उस अवस्था में यह बहुत ही लाभकारी है। यह एक एंटी कैंसर औषधि है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ एक अच्छी पेन किलर भी है। पिंपिनेला सेक्सीफ्रेगा। इसका इस्तेमाल यूरिन रिटेंशन को दूर करने के लिए किया है और इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन होकर बर्पिंग, बेल्चिंग, वर्टिगो और यॉनिंग, पेट और आंतड़ियों में चुभने जैसा दर्द होना, इन बीमारियों में इस कॉम्बिनेशन में देने से बहुत लाभ मिलता है। और है पोडोफाइलियम पेल्टाटम। यह औषधि मुख्य रूप से ब्यूलियस टेम्परामेंट के रोगियों यानी जिनके लीवर फंक्शन बिगड़कर बाइल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होकर एसिडिटी होकर स्टमक छोटी और बड़ी आतरियों पर इम्पैक्ट आ जाए उसका, नौशिया वॉमिटिंग होकर मरीज को डायरिया भी साथ में हो,
कॉलेरा हो, स्टूल में म्यूकस आता हो, जॉन्डिस और हेमोराइड भी हो जाए, उस अवस्था में यह बहुत ही कारगर दवा है। पेट में गैस बनाकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल एरिया में दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, अल्टरनेटिंग विथ डायरिया जो कुछ IBS मरीजों में होता है। और है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, यह मुख्य रूप से डायरिया ऑफ ब्लड, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लडी डिसेंट्री, स्वेलिंग ऑफ इन्ग्विनियल ग्लैंड्स, पेन इन रीजन ऑफ एसेंडिंग कोलोन, खाना खाने के बाद पेट फूलना, इन रोगों के लिए उपयुक्त है। साथ ही और भी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। सातवें नंबर पर है विंसिटॉक्सिकम ऑफिसिनले। इस औषधि का उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम की तकलीफों में करते हैं, जैसे एसिडिटी, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, वॉर्म्स, कोल्ड एब्डोमिनल और कॉलिक पेन में करते हैं। साथ ही किडनी की बीमारियों में फ्लूइड यूरिन रिटेंशन, कैंसरस ट्यूमर पेट में हो या यूटेरस में हो उसमें देते हैं। साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है यह औषधि। इन औषधियों की मात्रा और गुणधर्मों को देखें तो यह औषधि मुख्य रूप से पेट की एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार के रोगों में उपयुक्त है। यह छोटी छोटी बीमारियों जैसे आमाशय, मूत्राशय, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर की बीमारियों से लेकर पेट में कीड़े होना, एसिडिटी, नौशियाँ, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, IBS, पेट में होने वाले ट्यूमर से लेकर कैंसर जैसे बीमारियों की औषधि है। इस औषधि का उपयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के और औषधियों के साथ अल्टरनेट करते हैं। स्त्रियों या पुरुष दोनों के रोगों में समान रूप से ये काम करती है। इसका इस्तेमाल फेब्रिफिगो, एंजियोटिको, वेनेरियो, पेटोरेल और स्क्रोफोलोसो ग्रुप की औषधियों के साथ आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। इसके एक्शन का दायरा बहुत ही बड़ा है। इसका प्रयोग अननोन इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके डोसेस। फर्स्ट डाइल्यूशन डायरिया, एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, पेट में होने वाले ट्यूमर, कैंसर, एपेंडिसाइटिस, गॉल ब्लैडर, लीवर और स्प्लीन के रोगों में 5-10 बूंद मरीज के वजन के हिसाब से देते हैं। सेकंड डाइल्यूशन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज और डिसेंट्री में देते हैं। थर्ड डाइल्यूशन हमेशा स्त्रियों के क्रॉनिक रोगों में देते हैं। इस औषधि का उपयोग या डोज मरीज की फिजिकल कंडीशन देखकर डिसाइड करें। इस औषधि का उपयोग गर्भवती महिलाओं और फीडिंग मदर में ना करें। दोस्तों, मैं इसी तरह के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो सीरीज़ को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमेशा आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।